लेट्स एंटर द बर्गर फॉरेस्ट, एक ऐसी जगह जहाँ का खाना सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स लिटरली एन एडवेंचर। मेन्यू एक तरफ, खाना एक तरफ और टेस्ट एक तरफ। जिन चीज़ों ने हमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया वो थी इनकी प्राइसेस एंड द एम्बियंस। व्हाट स्पेशल इज दे लिटरली ट्राई टू लुक लाइक अ फॉरेस्ट। हमें मेन्यू डिसाइड करने में वाकई बहुत टाइम लग गया क्योंकि इनका मेन्यू था ही बहुत बड़ा। इनके स्पेशलिटी इनके बीफ बर्गर हैं। अगर ये मैं बाद में बताऊंगा कि मुझे इनका पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा क्यों लगा। बर्गर में वैरायटी बहुत स्पेशल थी जिसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल पैटी वाले बीफ बर्गर अवेलेबल थे और बहुत ही कम वेटिंग टाइम में अचानक आ गया पिज़्ज़ा। ये था 13 इंच बर्गर फॉरेस्ट स्पेशल। और उस दौरान एहसन भाई बाहर शूट में मसरूफ थे बीफ बर्गर के और मैंने या हैदर ने इतना भी इंतज़ार नहीं किया कि उसके आने का वेट कर लें। इतनी भूख थी और पिज़्ज़ा देखने में इतना हसीन, आप खुद ही देख लें। वैसे ब्लॉगर है तो क्या हुआ, देसी तो हम तब भी हैं। तो आज डिसाइड किया हुआ था कि खाएंगे तो हाथ से ही खाएंगे। हमारे लास्ट रिव्यू में जब हम मिकासा गए थे, आई वॉज लिटरली सरप्राइज कि उनके चीज़ की जो लेयर थी वो बहुत लंबी थी। बहरहाल बर्गर फॉरेस्ट की उतनी लंबी तो नहीं थी मगर ये भी कुछ कम नहीं थी। तो फिर जब आपके भाई के मुंह में ये चीज़ ही पिज़्ज़े का बाइट गया, दुनिया हिल के रह, इनफैक्ट दुनिया निकल गई, मैं शायद वहीं रह गया। अब हमने चूँकि डबल पैटी बीफ बर्गर ऑर्डर किया था तो हमारी 6 पैटीज़ ग्रिल पर पहुँच चुकी थी। सबसे पहले उन पर लेप कर दिया गया केचप का एंड देन उनकी स्पेशल सॉस ऐड कर दी गई। नेक्स्ट स्टेप वॉज एडिंग चीज़ और चीज़ की 6 लेयर्स ऐड करने के बाद लेटस और बन के दरमियान इस बर्गर को रख के इंतहा खूबसूरत तरह से हमारी टेबल पर सजा दिया गया। हियर इज हाउ द बर्गर वॉज मेड एंड सर्व। एंड नॉट फॉरगेटिंग टू से दीज आर द परफेक्ट बीफ बर्गर। आइडिया ये था कि तीनों पहले टेस्ट टेस्ट करेंगे और अपने रिव्यूज देंगे कि उनको ये बर्गर कैसा लगा, मगर हर किसी ने पहला बाइट लिया और डिसाइड किया कि अब ये बर्गर ख़त्म करके ही बात की जाएगी। दैट्स व्हाट हैपेंड विद अस, दैट्स द इफेक्ट ऑफ दीज माउथ वाटरिंग बीफ बर्गर। सो इफ यू वांट टू ट्राई दीज माउथ वाटरिंग जूसी टेंडर बीफ बर्गर, विजिट बर्गर फॉरेस्ट इन गुलगश कॉलोनी नियर वाटा पराठा मुल्तान।